नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के पंचांग के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज है 3 अक्टूबर गुरुवार 2019 और आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आया हूं आपके मध्य में। आज का शुभ शुभ समय, आज का विजेत मुहूर्त, आज का राहुकाल, आज का सूर्योदय और चंद्रोदय, तिथि वार नक्षत्र सहित योग करण और सभी प्रकार के अग्निवास और संपूर्ण जानकारी मैं लेकर के आया हूँ सिर्फ एक वीडियो में। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में। और साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, आप शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। आज के पंचांग के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का पंचांग, आज का सूर्योदय एवं चंद्रोदय की बात करते हैं। सर्वप्रथम तो आज का सूर्योदय सुबह 6:15 AM पर होगा और आज का सूर्यास्त शाम को 6:05 PM पर होगा। आज का चंद्रोदय की अगर बात करें तो 10:54 AM पर सुबह होगा और चंद्रास्त रात में 9:47 PM पर होगा। आइए बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि 10:12 AM तक रहेगी, उसके पश्चात षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज के नक्षत्र की बात करते हैं तो आज अनुराधा नक्षत्र 12:11 PM तक रहेगा, उसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। आज के अगर योग की बात करें तो आज आयुष्मान योग 1:04 AM अक्टूबर 4 तक रहेगा, जो कि सौभाग्यदायक है और सौभाग्य योग के हिसाब से है। बात करते हैं करण की तो बालव करण जो है 10:12 AM तक होगा, उसके पश्चात कोलव 9:47 AM तक होगा, फिर तैतिल। और बात कर लेते हैं आज के वार की। आज का वार है गुरुवार, बृहस्पतिवार जिसको कहते हैं, बड़ा शुभ दिन है। चंद्रमास एवं संबत की बात कर लेते हैं। लूनर मास, चंद्रमास, आश्विन पूर्णिमा और आश्विन यह मानते हैं। संबत की बात करें तो शक संबत 1941 विकारी, विक्रम संबत 2076 परिधावी और गुजराती संबत 2075 साधारण। इस प्रकार से आज के संबत हैं। अब बात कर लेते हैं आज की राशि तथा नक्षत्र की। तो आज की सूर्य राशि, आज की सूर्य राशि के बारे में बात करेंगे तो आज की सूर्य राशि है कन्या राशि। आज का सूर्य नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। बात करते हैं चंद्रमा किस राशि पर है तो चंद्र राशि है वृश्चिक राशि। और नक्षत्र पद की अगर हम बात करें तो क्रमशः 3, 4, 1, 2, 3, 4 पर अनुराधा 6, 17, अनुराधा 12, 11, ज्येष्ठा 6, 8, ज्येष्ठा 12, 9, ज्येष्ठा 6, 13 AM अक्टूबर 4 तक रहेगी, उसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। बात कर लेते हैं आज के ऋतु तथा आयन के बारे में। आज की दृक ऋतु जो है वो शरद ऋतु होगी, आज का दृक आयन दक्षिणायन। आज की वैदिक ऋतु शरद ऋतु और वैदिक आयन भी साथ में दक्षिणायन ही होगा। आज के दिनमान की बात कर लेते हैं, आज का दिन कितने घंटों का होने वाला है, कितने समय का होने वाला है। तो आज का दिनमान जो है 11:50 और 31 सेकंड्स का जो है दिनमान होने का अनुमान है। और आज का रात्रिमान 12:10 और 00 सेकंड्स का रात्रिमान। बात करें अगर मध्यान्ह की तो मध्यान्ह होगा 12:10 PM पर। आज का शुभ समय की बात कर लेते हैं, आज का शुभ समय, आज का विजित मुहूर्त 11:44 AM 12:34 PM तक होगा। आज का अमृतकाल 3:29 AM अक्टूबर 4 से 5:05 AM अक्टूबर 4 तक होगा। आज का सर्वार्थ सिद्धि योग 6:15 AM से 12:11 PM तक होगा तथा रवि योग 12:11 PM से 6:15 AM अक्टूबर 4 तक होगा। बात कर लेते हैं आज के विजय मुहूर्त की। आज का विजय मुहूर्त होगा 2:08 PM से 2:56 PM तक और आज का गोधूली मुहूर्त होगा 5:53 PM से 6:17 PM तक। आज की शयन संध्या 6:05 PM से 7:18 PM तक शयन संध्या होगी। आज का निशिता मुहूर्त 11:46 PM से 12:35 AM अक्टूबर 4 तक जो है निशिता मुहूर्त होगा। और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:38 AM अक्टूबर 4 से 5:27 AM अक्टूबर 4 तक आज का ब्रह्म मुहूर्त होगा।
आज की अगर प्रातः संध्या की बात करें तो 5:02 AM अक्टूबर 4 से 6:15 AM अक्टूबर 4 तक जो है आज की प्रातः संध्या। इस बीच दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें। आज के अशुभ समय के बारे में बात करते हैं। आज का अशुभ समय आज का राहुकाल 1:39 PM से 3:08 PM तक होगा। आज का गुलिक काल 9:12 AM से 10:41 AM तक होगा। साथ ही अगर बात करें आज के यमगण की तो सुबह 6:15 AM से 7:44 AM तक आज का यमगण होगा और दुर्मुहूर्त सुबह 10 बजे से लेकर के तो 11 बजे के बीच होगा और फिर 2:56 PM से 3:43 तक होगा। तो आज के वर्ज मुहूर्त की बात करते हैं तो आज का वर्ज मुहूर्त 5:50 PM से 7:26 PM तक वर्ज मुहूर्त होगा और गंडमूल 12:11 PM से 6:15 AM अक्टूबर 4 तक गंडमूल होगा। विंछुड़ों की बात करें तो विंछुड़ों पूरे दिन भर होगा। आज के आनंद आदि एवं तमिल योग की बात करते हैं। आनंद आदि योग आनंद है 12:11 PM तो उसके पश्चात कालदंड और तमिल योग सिद्ध है 12:11 PM तक उसके पश्चात मरणी होगा। अब बात कर लेते हैं आज के निवास और शूल की। आज की हमावती बुध में होगी। आज का दिशा शूल दक्षिण दिशा में होगा और आज का नक्षत्र शूल जो है वो पूर्व से 12:11 PM से फिर पश्चिम की तरफ होगा और आज का राहु आज दक्षिण दिशा में होगा तथा आज का अग्निवास पृथ्वी में होगा। आज का चंद्रवास उत्तर दिशा में होगा। चंद्रवलम की बात कर लेते हैं। निम्न राशि के लिए उत्तम चंद्रबल अगले दिन सूर्योदय तक होगा। वृषभ मिथुन कन्या वृश्चिक मकर कुंभ मेष राशि में जन्मे लोगों के लिए अष्टम चंद्र सुख फलदायी होगा। तारावलन की अगर बात करें तो निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम तारावल 12:11 PM तक होगा। अश्विनी कृतिका मृक्षिरा पुनर्वसोश्लेषा मघाद्रा फाल्गुनी चित्रा विशाखा ज्येष्ठा मूल उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद तथा रेवती। निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम तारावल अगले दिन सूर्योदय तक के लिए होगा। अश्विनी भरणी रोहिणी अद्रा वृष मघा पूर्व फाल्गुनी स्वाति राधा मूल पूर्वाषाढ़ा श्रवण सदभिषा पुत्र भाद्रपद। इस प्रकार से जो है आज के दैनिक उपवास और व्रत त्यौहार की बात करें तो स्कंद षष्ठी का आज बड़ा शुभ दिन है और नवरात्रि भी चल रहे हैं। नवरात्रि का भी आप व्रत उपवास रख सकते हैं। साथ ही बिल्व निमंत्रण का भी आज जो है उपवास और व्रत त्यौहार के अंतर्गत योग बन रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन अभी दबा दें और अगर और अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी लाल कलर का बटन है वो भी दबा दें ताकि ऐसे वीडियोज़ में से मिलते रहें आप सभी लोगों को। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।